अस्सलाम वालेकुम गाइस, हमने मूली कद्दू को रश करके रख लिया। नवंबर चढ़ा था और नवंबर का आखिरी दिन था, हमने मिर्चें डाली हैं। आगे देखते हैं स्पाइसी, इतनी ज़्यादा मिर्चें हैं, हमने दिल करा अब नमक डाल दिया। अब यह हमने, यार मैं भूल गया, तो हमने हल्दी डाली थी, अब अजवाइन थी, हमने अब मिक्स किया। यम्मी, ये देखिए हमने मिक्स किया, चूल्हा जल रहा। अब हम पानी इसका, आपको तो पता ही है मूली के अंदर पानी होता है, अब हमने इसका पानी निकाल दिया। ये देखिए इसका रंग, ये हल्दी होती है ये, और यार सॉरी ये तो अजवाइन थी। ये देखिए हमने कहा एक दफ़ा दिखा दे, अब आगे चलते हैं। अब अच्छी तरह कुक करना है, इसका पानी खुशक करना है पका के। ये देखें ये हम ऐसा बनता है। ये देखें आपका भाई यहाँ पेड़े बना रहा है यार, अगर आपके भाई भी बनाते हैं तो कमेंट में बताएं। ये देखें आप चेक करें ना अपने भाई का, आहा आहा। ये देखें अब हम इसे सही तरह रखेंगे प्लेट में, अब हम प्लेट में रखने वाले हैं। ये देखें मैं कैसे कर रहा हूँ, ये हमने प्लेट में रखा। ओहो मेरे से थोड़ा गलत हो गया, तो मेरी मम्मा ने सही तरह रख दिया था। अब आगे चलते हैं हम, ये जो हमने पिछला किया था अब हमें कोट कर रहे हैं। अभी हमने रोटी एक और बेली, अब हमने इसके ऊपर कद्दू क्रश का मिक्सचर डाला। यम्मी, ये देखे हम सारे डाल रहे हैं कद्दू क्रश कर। अब इसको कवर कर लेना है, इसको बर्गर बना लेना यार। ये देखें कितना यम्मी लग रहा है, अब हमने कवर किया, इसको बर्गर बना लेना यार। अब चूल्हे पे हम इसे पकाएंगे, घी तो इसके लिए बनते ही है पहले से। हम देखो ताड़ी हमारी स्पीड दे, ये देखो कितनी जल्दी हमने कर लिया, ये आगे तक पहुँच। लोगों को कौन से पसंद है पराठे, मूली मेथी या आलू? लो जी हमारा पराठा तो बन गया, पहले इसे तो उतारो ना यार। यम्मी, हम अंदर जाके खाएं या बाहर जाके खाएं या किचन में ही खा लें, हम आपको टेस्ट करके बताते हैं। ये देखिए हमने छोटी सी बाइट तोड़ी, क्योंकि गर्म था, खाया टू डन यार, कितना मजे का। ओके सी यू, बाय बाय, टाटा।